हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्तियों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। एंड सेकेंड थिंग, मैं आप लोग से बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियो को कंटिन्यूस शेयर नहीं कर पा रही थी आप लोगों से, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा इनकंटिन्यूस बन गया था। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मैं आप लोग से नए नए वीडियो शेयर करती रहूँगी। आप लोग को कोई भी दिक्कत और जानकारी हो तो मुझे इनबॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रेन हेमरेज, जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो जो ब्रेन हेमरेज के कॉज होते हैं या अभी तक मेरे क्लिनिक में जो आए हैं उसका जो कॉज होता है वो थोड़ी सी लापरवाही के चलते लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है। जिन लोगों को हाई बीपी की मेडिसिन चल रही है वो लोग जो लापरवाही करते हैं मेडिसिन लेने में या डॉक्टर के संपर्क में नहीं रहते हैं, डॉक्टर से बिना पूछे हुए अपनी मेडिसिन को बंद कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन हेमरेज। बेसिकली हमारे शरीर में जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। मान लीजिए अगर हम कहीं जाते हैं किसी कारणवश हमें चोट लग जाती है तो उस एरिया में जो नस होती है वो डैमेज हो जाती है और हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इसी तरीके से अगर ब्रेन में किसी कारणवश वो जो वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये जब लगातार ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है तो उस ब्लीडिंग की वजह से वहाँ की जो वेसल्स होती है वो डैमेज होने लगती है। इस डैमेज होने की वजह से ब्रेन के अंदर कई सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम है आफ्टर द ब्रेन हेमरेज या जो भी प्रॉब्लम देखने को हमारे मुझे क्लिनिक में या और जगह देखने को मिलती है वो पैरालिसिस की कंडीशन। पैरालिसिस की कंडीशन ब्रेन हेमरेज के कारण या ब्रेन हेमरेज के बाद अक्सर या ज्यादातर देखने को मिलती है। हम बात करें कि डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है। क्लॉटिंग क्यों हो गई है? जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या कहीं चोट लग जाती है आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में तो वो धीरे धीरे चोट जो ब्लीडिंग होती है वो धीरे 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 खून जमने लगता है। क्यों? क्योंकि जब चोट लगती है तो चोट के ऊपर की जो परत होती है, जो प्लाज्मा होता है वो वहाँ पे उसको जमाने का काम करता है ताकि हमारी ब्लीडिंग रुक जाए। उसी तरीके से ब्रेन में भी वो होता है कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग किसी तरीके से स्टार्ट हो जाती है किसी वजह से तो वहाँ की जो नसें होती हैं वो उसको रोकने का काम करती हैं, यानी उस वहाँ पर उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। उस वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग की वजह से जब किसी नस में या किसी पाइपलाइन में अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो पानी वहां से दूसरी तरफ नहीं जाएगा। उसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी अगर नसों के बीच में क्लॉटिंग हो गई है तो एक साइड से दूसरी साइड में हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं जाएगा। उसकी वजह से हमारे ब्रेन के किसी भी पार्ट को अगर ब्लड मिलने से प्रॉब्लम हो जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी, जो कॉमन कॉज देखा गया है पैरालिसिस। इसी वजह से हमें पैरालिसिस कंडीशन डेवलप होती है। अब पैरालिसिस की कंडीशन लोग कहते हैं लेफ्ट साइड है किसी को पैरालिसिस हुआ और राइट साइड पैरालिसिस। क्यों पैरालिसिस हुआ? क्योंकि जो हमारे ब्रेन का राइट साइड है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ऑपरेट करता है और ब्रेन का लेफ्ट साइड हमारे बॉडी के राइट पार्ट को ऑपरेट करता है। इस वजह से अगर हमारे राइट साइड में ब्रेन हैमरेज यानी क्लॉटिंग हुई है तो जो पैरालिसिस कंडीशन होगी वो लेफ्ट साइड की बॉडी में होगी। एंड अगर हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट में क्लॉटिंग हुई है तो हमारी जो लेफ्ट साइड का बॉडी सॉरी लेफ्ट साइड के ब्रेन में अगर क्लॉटिंग हुई है तो हमारी बॉडी के राइट साइड में पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप देखने को मिलेगी। अब ब्रेन हैमरेज किन किन कारणों की वजह से होता है? पहला और जो मेन कारण है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीपी। अगर किसी को हाई बीपी की कंडीशन है और वो हाई बीपी की मेडिसिन ले रहा है तो उसको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप अपनी मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, अपनी ही वजह से या गूगल करके कोई भी मेडिसिन को बंद या स्टार्ट नहीं करें या कम या ज्यादा नहीं करें। आप ये मत सोचें कि हमें बीपी नहीं हो रहा है या अभी तो ठीक है, अगर हम एक दिन मेडिसिन स्किप भी कर देंगे तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपकी मेडिसिन चल रही है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही मेडिसिन को बंद या बढ़ाएं या घटाएं। सेकेंड जो कॉज है वो है स्ट्रेस। जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी सडन शूट करता है, इसकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है। जिनकी ब्लड थिनर यानी ब्लड को खून को पतला करने की जिनकी मेडिसिन चल रही है उन
पेशेंट या उन व्यक्तियों में भी हैमरेज देखने को हमें ज्यादा मिलता है। आज जो है अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ट्रॉमा हो गया है या सर में चोट लग गई है, उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो उन व्यक्तियों में भी ब्रेन हैमरेज देखने को मिलता है। और वो इंटरनल ब्लीडिंग अगर राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, किसी भी साइड हो, तो उसके अपोजिट साइड में पैरालिसिस की कंडीशन देखने को डेवलप हो जाती है। ब्रेन हैमरेज के क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ब्रेन हैमरेज के जो सिम्टम्स होते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द ब्रेन, एंड उसके अकॉर्डिंग ही सिम्टम्स, ब्रेन के लोकेशन के अकॉर्डिंग ही सिम्टम्स अबाउट टू बॉडी पार्ट में देखने को मिलते हैं। बट जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जो क्लिनिकल सिम्टम्स जिन्हें बोलते हैं, वो होता है नौशिया यानी वॉमिटिंग की फीलिंग होना, वॉमिटिंग होना, डिजीनेस यानी वीकनेस होना, ड्राउजीनेस होना, एंड चक्कर आना, किसी भी बॉडी पार्ट में अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपको सुन्नपन दिखना, आंखों से धुंधला दिखना, सडन बीपी शूट होना जिसकी वजह से चक्कर आ जाए, तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो हैमरेज की प्रॉब्लम में देखने को हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बचाव की। तो कहते हैं ना, सतर्कता ही बचाव है। तो अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप अपनी मेडिसिन को प्रॉपर लेते रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, उनकी सलाह से ही किसी भी मेडिसिन को स्टार्ट या बंद करें, सेल्फ डिसीजन ना लें। अगर कहीं बाइक से या कार से जा रहे हो तो हेलमेट और सीट बेल्ट का अवश्य ध्यान रखें। सेकेंडली, आप स्ट्रेस ना लें, स्मोकिंग एंड ये सब चीजें नहीं करें, अल्कोहल स्मोकिंग, इसकी वजह से भी इंजरीज हो सकती है एंड ये ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको ब्रेन हैमरेज की कंडीशन डेवलप होती है तो अपने नजदीकी जो भी हॉस्पिटल है वहां पे जाएं। अगर आपको क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिकवरी में आपको मदद करती है और ये जो भी ब्रेन की ग्लॉटिंग होती है उनको अब्सॉर्ब करती है। अगर आफ्टर पैरालिसिस की कंडीशन, जो अगर पैरालिसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग टू पार्ट, अकॉर्डिंग टू साइड, वो जो भी मेडिसिन आपकी होगी वो निकल के आपके जो भी कंडीशन डेवलप होगी उसको सही करने में बहुत ही मदद और बहुत ही फास्ट रिकवरी करती है। सो जो भी मेडिसिन होती है वो पर्सन टू पर्सन, साइड टू साइड डिफरेंट हो जाती है इस कंडीशन में। तो ये अगर ब्रेन हैमरेज के पहले की कंडीशन है तो उसमें अलग मेडिसिन यूज होगी, ब्रेन हैमरेज के बाद अगर पैरालिसिस कंडीशन है तो उसमें अलग मेडिसिन यूज होगी। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स, कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उस अकॉर्डिंग ये मेडिसिन होती है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है ब्रेन हैमरेज के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन के मैं नाम बताऊंगी जो किसी भी कंडीशन में आप ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम में दे सकते हैं, वो उस कंडीशन में उस चीज को रिकवर करने में प्रॉपर वर्क करेगी। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट क्यू। एकोनाइट क्यू, अगर किसी भी वजह से या किसी कारणवश आपको ब्रेन हैमरेज का अटैक आया हो तो ब्रेन एकोनाइट क्यू की 15 बूंद थोड़े से पानी में डाल के हर 15 मिनट पे इस पेशेंट को देते रहे। सो वो कंडीशन जो भी अगर ब्रेन हैमरेज की हो भी गई तो वो उतनी वर्स्ट नहीं होगी जितनी की वर्स्ट होती है। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है आर्निका 10 एम। आर्निका 10 एम की 2 या 3 बूंद आप दिन भर में 2 बार पेशेंट को देते रहे, ये जो क्लॉटिंग है वो उसको बढ़ने नहीं देगी और उसको कम करने में बहुत ही मदद करेगी। सो आर्निका किसी भी चोट लगने पर दी जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग से क्लॉटिंग होती है, उससे आर्निका बचाने में बहुत ही ज्यादा मदद और बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो आप लोग को होनी चाहिए और होप ये जानकारी आप लोग को पसंद आएगी। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। Thank you.